हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल है? मेरा भी हाल चाल ठीक ही है, बट थोड़ा सा गड़बड़ है यार, क्योंकि यार इतना पैसा लगाए हमने, माँ के गहने बेच दिया हमने, पिताजी का ज़मीन बेच दिया, और अपनी आधी किडनी बेच करके हमने ये कंप्यूटर बनाया। और कंप्यूटर में यार इतना लैग करते रहता है वीडियो में कि क्या बताए, इतना लैग करते रहता है कि मेरा दिमाग का दो ही हो गया है दोस्तों। मैंने बहुत मतलब कि मेहनत करी थी इस कंप्यूटर को बनाने में भाई, मेरे को पता है 1 साल लग गया तब जा करके ये कंप्यूटर मेरे नसीब में हुआ है, ठीक है। और इतने इसमें फ्रेम ड्रॉप होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। ये कौन है दोस्तों? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? अरे भाई थोड़ा सा सब्सक्राइबर दे दो भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइबर। ओए सुबह सुबह भीख मांगने के लिए आ गए सब्सक्राइबर का? सब्सक्राइब लोग ऐसे नहीं करते भाई, अच्छी वीडियोज बनाओगे तब लोग सब्सक्राइब करेंगे, फ्री के सब्सक्राइबर नहीं मिलते। अरे भाई तो वीडियो तो बना रहे हैं ना, काफ़ी टाइम तक नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करूँ? क्या करो, अच्छे से मेहनत करो और अच्छा से अच्छे कंटेंट बनाओ। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं तब जाकर के 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। सब्सक्राइबर है तुम्हारे बाप की खेती नहीं। अरे भाई प्लीज़ भाई, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अरे भाई देखो अब क्या है कि यार ये देखो इतना भीख मांग रहा है गाइज, ऐसे भीख मांग रहा है सब्सक्राइबर का, क्या किया जाए गाइज? अच्छा ऐसे कीजिए कि सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए। बेचारा सुबह सुबह इसका बोहनी ना खराब करो, सब्सक्राइबर के लिए आया है। ठीक है सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके ठीक है, सुन लो अब की बार कर दिए, दोबारा मत आना, समझे? ठीक है भाई, थैंक यू। चला गया। चलो ठीक है यार, क्या बताएं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं सब्सक्राइब के लिए, बोलने के लिए, समझ में नहीं आता मेरे को। ठीक है चलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब के लिए कर दिए, थैंक यू। चलो गाइस, और देखते कितना आयरन इकट्ठा हुआ, इतना आयरन इकट्ठा हो गया गाइस, 16 थोड़ा आयरन। यार ये क्यों बार बार हम इसे फेंकते रहते हैं, इतने राइट शोल्ड फेंकाते रहता है। तो सुनिए आज का हम लोगों का क्या टारगेट है, आज का टारगेट ये है कि हम लोगों का कोई टारगेट नहीं है, नहीं आज का हम लोगों का टारगेट है ना कि हमने कुछ सारे ब्लॉक्स इकट्ठे किए हैं, उनको आगे सारे कंस्ट्रक्शन करना है। इन द मीन वाइल हमने कुछ चीज़ें खुदाई उदाई करी थी, तो आगे हम क्या बनाने वाले हैं हम आपको बताने वाले हैं, मोस्ट लाइकली बताएंगे, बाकी उतना मेरे को क्लियर पता नहीं कि आगे क्या करने वाला है। और पता है हम इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहते हैं, बट भाई पता है मेरे को डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इसमें कौन सा चीज़ पहले बनाएं। अब इसमें शुगर केन फार्म बनाना है, दुनिया भर का फार्म बना रहा है, मतलब कोई लंबी जर्नी है भाई, बहुत लंबी जर्नी, कोई छोटी मोटी जर्नी है भी नहीं। तो अब वही मेरे को डिसीजन लेने का, देखिए पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, हमने जो ऑफलाइन ना, क्योंकि अब आपको ब्लॉक की माइनिंग तो हमने दिखाएंगे नहीं, तो ये देखिए कहाँ आ गया भाई, इधर था ना, उधर गया, कहाँ गया? अरे भाई कहाँ गया वो? ये देखिए हमने यहाँ पे माइनिंग करी थी, माइनिंग क्यों करी थी गाइस? क्योंकि मेरे को बहुत सारा कॉबलस्टोन चाहिए था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब कितना शाइनिंग लग रहा है, हम अपना चेहरा देख पाएंगे क्या इसमें? नहीं दिख रहा है। ये देखो अपना शील्ड दिख जा रहा है, क्यों शील्ड दिख जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कई सारे टॉर्च वॉर्च लगाए थे ताकि मॉब्स ऑफ स्पॉन ना हो, और हमने इतनी खुदाई करी है ना यहाँ पे, इस साइड से नहीं दिखेगा। ये देखिए बहुत हमने माइनिंग करी, पूरा का पूरा सब चीजें ही हमने क्लियर कर दिया। ये देखो, अरे बाप रे बाप, ये सब हर जगह हमेशा, चलो कोई बात नहीं, ये हमने इतनी सारा, पता है हमने पूरा का पूरा ये सारा ना, सारा का सारा चीज हमने क्लियर कर दिया था। ये देख रहे हो सहारा का सारा हमने सब चीज़ क्लियर कर दिया था, और यहाँ पे हम सोच रहे थे कि हमने कोई बेस बनाया है, लेकिन मेरे को आइडिया समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर रखेंगे क्या, कोई चीज़ दूर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये था अपना माइनिंग के लिए, और हम यहाँ पे आज सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे एक शुगर केन फार्म बनाए, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि शुगर केन फार्म पहले बनाए कि विलेजर बिल्डर बनाए कि विलेज ट्रेडर बनाए। कितना सुंदर लग रहा है गाइस, मतलब रियली ब्यूटीफुल है ये। थोड़ा सा पता है धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड का साइज बढ़ते जा रहा है, ठीक, क्योंकि हम कई सारी चीज़ें इकट्ठा करते जा रहे हैं। अब देखिए जैसे हमने पिछला एपिसोड में ये देखो कॉबलस्टोन ने कितना सारा इकट्ठा किया था, ये देखिए दुनिया भर का चीज़ हमने इकट्ठा किया था। तो अब इस कारण से क्या हो रहा है ना कि अब इसका साइज बढ़ते जा रहा है, वर्ल्ड का साइज बढ़ते जा रहा है। अब जब वर्ल्ड का साइज बढ़ेगा ना तो मतलब कि वीडियोज लैग करने शुरू होंगे, तो ये मेरे को थोड़ा सा देखना होगा पड़ेगा गाइस, मतलब या तो हम इसका सेडर वेडर चेंज करें, या तो कुछ ना कुछ करें, मेरे को तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना काम चलेगा नहीं। अभी देखिए साले कहाँ खड़े हैं ये लोग, चिरकुट लोग। फिर देखो यार बार बार हमसे सोड क्यों फेंका जा रहा है, लग नहीं रहा है कि सोड के लायक हम हैं। तो इस एपिसोड में ना हम जा रहे हैं कि कुछ चीज़ें, मतलब कि हम सोच रहे हैं ना गाइस कि यहाँ पर एक शुगर केन फार्म बनाया जाए, क्यों क्या कहते हो? पता है उस साइड ना हमने कहीं पर विलेज देखा था, नीचे में कहीं विलेज हमको मिला था, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे,
बट एटलीस्ट उस साइड तो था ही। और बी लीप साइड, ये देखो इतना हम लोगों ने हनी ब्लॉक ले लिया है, यहाँ पे भी हनी होगा, क्यों हनी ब्लॉक आ गया। ठीक, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि यहाँ पर एक शुगर केन फार्म बनाया जाए और शुगर केन फार्म बना करके उसको इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अभी बेसिक नीड के लिए यही है। और आगे चल के ना गए, मेरे को विलेज ब्रीडर, विलेज ट्रेडर बनाना है और कई सारे मतलब कि सिस्टम्स बनाने हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऑन स्ट्रीम है, जैसे हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऑन स्ट्रीम यार मतलब कि बनता नहीं है यार। अगर जब ऑन स्ट्रीम अगर जो डालने लग जाए वीडियो तो बोरिंग हो जाएगी, समझे। जैसे मान लो अभी हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक, अब आपको कंस्ट्रक्शन देखना पसंद है क्या? चलिए थोड़ा सा बातचीत ही कर लिया जाए। तो हाँ, हम अपना ज़िंदगी के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे कि ये एपिसोड नंबर 19 है, एच फार एज आई नो, ये एपिसोड नंबर 19 है। तो एपिसोड नंबर 19 में जैसे हम लोग पहुँचे तो हम लोग एपिसोड 1 से लगभग 18 एपिसोड बना चुके हैं, ठीक है। और हर एक एपिसोड के पीछे ऑब्वियसली मेहनत लगती है। तो बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं ना कि जैसे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कभी भी लेट्स प्ले कर रहे होंगे, मतलब कि मेरा कभी ऐसा कुछ खास प्लान था नहीं, ठीक है, लेट्स प्ले का। मैंने सोचा था कि हाँ ठीक है, चलो करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन गाइज, आप लोगों का सपोर्ट था, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़े। हालांकि मेरा चैनल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये तो हम कहेंगे, क्योंकि मेरे चैनल में ना यार उतने व्यूज नहीं आते, उतने सब्सक्राइबर नहीं आते, तो कोई बात नहीं। लेकिन गाइज, आप लोगों का सपोर्ट रहा है तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट। एक बंदे ने जतिन नाम का यार, तो बार बार भाई मतलब पुशिंग करता, पता नहीं क्यों इतना बिलीव रखता है मेरे में, आई डोंट नो। लेकिन यार, सो यहाँ शाम होने वाली ना, देख रहे हो कितना सुंदर है, मतलब सुंदर है और शांत है। मेरे को सनसेट बड़ा अच्छा लगता है, मतलब रोमांटिक नहीं कहेंगे लेकिन हमको बहुत ब्यूटीफुल लगता है। ये हम बताएं, ये बना रहे हैं ताकि हम यहाँ से अपना, चलो सो ही जाते हैं गाइस। अंधेरा मेरे को पसंद नहीं है और अंधेरे में यार क्रीपर व्रीपर भी स्पॉन हो जाएगा। तो पता है आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेस बनाएंगे मतलब शुगर केन फार्म के लिए, और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस पता है, यही बात है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे को ऑन स्ट्रीम कुछ मतलब फ़नी और इंटरेस्टिंग करना होता है। अब ऑन स्ट्रीम इंटरेस्टिंग करने का क्या मतलब है, आप हर दिन तो हर एपिसोड तो आपका सुपर फनी और इंटरेस्टिंग हो नहीं सकता। और अगर जब आप ऐसा करोगे तो आपको कई सारे एपिसोड्स लाने पड़ जाएंगे। यू नो मेरे नेदराइट का हालत देख रहे हो यार, 617 बचा है, लगभग तिगुना से भी ज़्यादा मेरा ये ख़त्म हो गया, क्योंकि यार मैंने बहुत ज़्यादा माइनिंग करी थी ना, तो बहुत ज़्यादा माइनिंग के कारण यही होता है। वेल, मैं स्टेयर केस नहीं यूज कर रहा, स्टेयर केस बेकार लगता है गाइज, मतलब मज़ा नहीं आता स्टेयर केस से। अब हम इसको इधर मोड़ देते हैं, क्यों इधर मोड़ करके चले जाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग शुगर केन फार्म बनाएंगे। वो देख रहे हो कितना ऊंचे जा रहा है, वो देख रहे हो, बाप रे, यहाँ से हम लोग ना शुगर केन फार्म बनाएंगे, ठीक, ओके। ये ऐसे कर दो, एक दो तीन, क्यों ये कैसा लग रहा है, इधर भी लगा दो। आज डे नंबर 322 है, ठीक, डे 322 का मतलब ये है ना कि हम लोगों ने मतलब काफ़ी टाइम इसको खेला, हमको लगा नहीं था कि इतना लंबा जर्नी बनेगा, बट यह है हेयर वी आर। चलो, मेरा टारगेट क्या है ना गाइज, कि यहाँ पे एक बढ़िया सा वो शुगर केन फार्म बना देने के लिए, शुगर केन फार्म से आइटम इधर जाएगा अपना यहाँ पर। यहाँ पर हम बहुत बड़ा सा आइटम सोर्टर बनाना चाहते हैं, काफ़ी सारे फार्म सुपर में बनेंगे और फार्म से काफ़ी सारे मटेरियल यहाँ पे आएंगे। और पता है मेरे को कुछ फ़नी चीज़ें भी करनी है, फ़नी चीज़ें मतलब कि कुछ एकदम अजीब अजीब हरकत करना है, ठीक है, माइनक्राफ्ट में, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। सत्संग थोड़ी कर रहे हैं कि बैठ करके भाई तुम चलते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ तो मज़ा तो आना चाहिए ना, मज़ा ही नहीं है तो लाइफ में ज़िंदगी जीने लायक है भी नहीं। ठीक यार, वैसे माइनक्राफ्ट को एक चीज़ ऐसा देना चाहिए कि ब्लॉक के ऊपर हम प्लेस कर दें, क्योंकि यार ब्लॉक ज़्यादा बर्बाद होते हैं ऐसे, क्यों। ओ सुनो, यहाँ दो है ना, एक मेरे को दे दो भाई, ठीक है, अच्छा लग रहा है, क्यों थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गया, क्यों, ओके, 48। ये देख रहे हो नीचे गाइज, अपना बना था जो अजीब सा एलेट्रा, बहुत पावरफुल चीज़ है। पता है मेरा माइनक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा अगर जो पावरफुल चीज़ है ना तो वो है एलेट्रा। एलेट्रा के बिना यार मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में, माइनक्राफ्ट में सबसे अच्छा चीज़ मेरे को लगता है एलेट्रा। और सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे पता नहीं यार, सेकंड नंबर पे दुनिया भर की चीज़ें हैं, जैसे कि गोल्डन एप्पल कह सकते हो। और दोस्तों, तो हाँ हम आपको बता रहे थे अपना मेरा लाइफ स्टाइल कैसा चल रहा है। तो मेरा लाइफ स्टाइल भाई ऐसा ही है ना कि कुछ यार मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं है। हम एडिटिंग के लिए ना कई सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, तो एडिटिंग के लिए जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो मेरे को यार बग आने लग गया उस सॉफ्टवेयर में। दुनिया भर का मतलब कि हमने इसमें सेटिंग वोटिंग करी काफ़ी टाइम से लगी और वो सॉल्व नहीं हो रहा बग। यही कारण होता है कि मेरे को एडिटिंग में बहुत टाइम लगता रहता, नहीं तो मेरा बस चले भाई ना, तो हम हर दिन एपिसोड नया लेकर के आए हैं, ठीक।
लेकिन एडिटिंग जो ऐप है ना उसमें थोड़ा सा बग आने लग गया है। अब वो बग यार बहुत दिमाग ख़राब करता है, मतलब लिटरली बहुत दिमाग ख़राब करता है। इतना मतलब दिक्कत होता है ना बग के कारण कि क्या होता है। ये देखिए गाइस, मतलब सुंदर तो लग रहा है यार माइनक्राफ्ट। यार ब्यूटी चीज़ है, जो लोग बोलते हैं ना कि माइनक्राफ्ट ब्यूटीफुल नहीं है ना, वो लोग मतलब अकल के अंधे होते हैं। कैसे कोई कह सकता है इतने ब्यूटीफुल गेम को। दुनिया भर की चीज़ें करने के लिए, जिसको फाइट करना है वो फाइट करेगा, जिसको कंस्ट्रक्शन करना है कंस्ट्रक्शन करेगा, जिसको मैनहंट करना है मैनहंट करेगा। मतलब यार सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है ही। हाउ कैन यू से समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। या यहाँ पर कॉबल स्टोन के लिए यहाँ पे ये उड़ क्यों रहा है गाइज, ये पता नहीं क्यों उड़ रहा है। ये भी उड़ेगा इसका मतलब, ये देखो ये उड़ रहा है। पता है माइनक्राफ्ट में जो स्लैब्स हैं एकदम अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। ए हटना तो जान, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ना जैसे कि अपने धीरे, पता है मेरा टारगेट क्या है ना गाइज, मेरा टारगेट ये ना कि कई सारी स्टेर के हवा में एकदम पूरा बना दे, जैसे कि मतलब कि एक ऐसा सिटी हो जिसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ हो, अब एकदम बंजर जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो मेरा टारगेट है ना कि ऐसे ऐसे हवा में बना दे और लाइट वाइट लगा दे, ताकि जब ज़िंदगी में जब कभी भी हम लोग काफ़ी 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 टाइम के बाद से जब आपके बच्चे बड़े हो जाएँ, ठीक है, वो सब चीज़ हो जाए ना, तब जब अगर जब वापस यहाँ पे आए ना, तब देखिए तो कहना गजब का लगेगा यार कि हमने कैसे कैसे चीज़ें की थी, कैसे कैसे चीज़ें बनाए थे। हालांकि मेरे पास अभी ये वीडियो पे हम ऑनलाइन अपलोड करते रहेंगे तो उतना दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैन, ठीक है। वैसे हमें मॉब फार्म भी बनाना चाहिए क्यों। हाँ तो गाइस पता है, हाँ वीडियो एडिटिंग ना कभी कभी बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। इसमें वीडियो एडिटिंग कभी कभी पीसी क्रैश कर जाता है कभी कभी, मतलब ये आपका समझ लो कि जैसे कि आप लोग सोचते हो ना कि मतलब कई लोग सोचते थे, एटलीस्ट हम तो सोचते ही थे कि यार गेम खेल के तो वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं क्या ही होगा। आप हमारे वीडियो देखो, हमारा वीडियो एक तरीके से हमारा चैनल एक तरीके कर्स्ट है। हमने 78 वीडियो डाले हैं और 78 का आधा कितना होता है 29, तो मेरे उतने लग और मेरा पास करेंटली एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मेरे पास 43 सब्सक्राइबर है। तो हमने मतलब बहुत मेहनत करी थी वीडियो एडिटिंग में। आप अगर जो करोगे नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि कितना मतलब मेहनत लगता है एक एक वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगता है गाइज। और उसके बदले में मेरे को उतना सब्सक्राइबर नहीं है, उतने व्यूज नहीं, कमेंट्स नहीं है। बट अच्छी बात क्या है ना गाइज, अच्छी बात है कि अगर जो कोई एक बार भी कमेंट कर देता है ना, एक व्यू भी आता है ना, तो मेरे लिए वो मोटिवेशनल होता है। तो या इट्स काइंड ऑफ ओके, इट्स पेनफुल बट इट्स काइंड ऑफ ओके, ऐसे ही चला जाता है, क्या किया जाए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपना माइनक्राफ्ट का अपना वो बना लिया, बेस वेस बना लिया है। मतलब यहाँ पे हम सुगर किन फार्म अपना बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने अपना बेसिक कर लिए हैं। हम सोच रहे थे तो उन्होंने बातचीत भी किया जाए, हर एपिसोड में तो हम धमाल कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही था गाइज कि अगर जो आपके पास कोई वीडियो है ना गाइज, तो ये मत सोचिएगा कि खाली खेल करके अपलोड कर दिया। ये खाली मेरे चैनल के लिए नहीं है, बाकी सारे चैनल के लिए भी यही अप्लाई होता है जो कि अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना ब्रो बहुत मेहनत लगता है कोई भी मतलब वीडियो वीडियो बनाने में। अब देखिए यहाँ बरसात हो गई, अब मॉब्स ऑफ स्पॉन होना शुरू होगा, यहाँ स्पॉन होगा, वहाँ स्पॉन होगा, जहाँ तहाँ स्पॉन होगा। तो यहाँ हम लोग अपना शुगर केन फार्म बनाएंगे गाइस। एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा हम लोग ये ब्लॉक्स ले लेते हैं, क्यों मैं अभी चलते रहूँगा, ठीक है, मैं छोड़ूंगा नहीं अभी, मैं मैदान नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, मैं कंटिन्यूसली लगे रहूँगा। मेरे को कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, मतलब कि मेरे को इतना जल्दी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी देखते हैं ना गाइज कि किसी का सब्सक्राइबर इतना है, मतलब वीडियोज कम है, तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा पिंच करता है अंदर में, हल्का सा चोट लगता है कि यार बताओ उसने हमसे आधा वीडियो डाला और उसके इतने सब्सक्राइबर हैं। हो सकता है उसके वीडियोज अच्छे हों, लोग बोलते हैं ना कि वाह देखो रिफ्लेक्शन कितना बढ़िया है। देखो तो लोग बोलते हैं ना कि अपना काम सबको अच्छा लगता है, ठीक है, ये बात भी सही है, इट्स नॉट रॉन्ग। तो हो सकता है कि वो बातें हों, बट थोड़ा मोड़ा पिंच करता है यार कि बताओ हम इतना एडिटिंग किए, इतना कुछ किए और मेरा सब्सक्राइबर नहीं, व्यू नहीं है। तो या इट काइंड ऑफ पेनफुल, बट मेरे ख्याल से ठीक है गाइज, आई थिंक। वैसे भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम खाली सब्सक्राइबर और व्यूज और लाइक्स और कमेंट्स शेयर बस खाली इसी के लिए चीज़ें करते हैं, ठीक है। मेरे को मज़ा भी आता है, मतलब माइनक्राफ्ट खेलने में मज़ा भी आता है, ठीक। मतलब कि ऐसा कभी कभी हुआ है, कई कई बार हुआ है कि मेरे को आज रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन फिर भी हम अपना माइनक्राफ्ट में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट इट्स फाइन, मेरे को लोगों से कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है, बातचीत करने का एक मौका मिलता है, तो आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड। बट हल्का फुल्का तो किसी को भी करेगा भाई,
इसलिए लोग बोलते बड़े से बड़े यूट्यूबर जो है ना लोग बड़े से बड़े 25 मिलियन 30 मिलियन 35 मिलियन 45 मिलियन जितने भी मिलियन सब्सक्राइबर हैं सब लोग बोलते हैं कि लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो। आई मीन इसके पीछे कुछ मतलब होता होगा ना। तो यार ठीक है, पता है एक बार क्या हुआ ना कि हमने किसी बड़े यूट्यूबर का मतलब कि माइनक्राफ्ट का वीडियो देखा, ठीक है। तो क्या हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ह्यूमन माइंड काम करता है, ठीक। तो हमने किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखा, तो जैसे उसने वीडियो बनाया, ठीक। तो उस वीडियो में ना जब हम देखे तो देखे भाई और इस तरीके 2 मिलियन व्यूज है 3 मिलियन व्यूज है। तो हम अपने मन से बोले यार बताओ 2 मिलियन मतलब होता है 20 लाख, 20 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा है, ठीक। उन 20 लाख वीडियो लोगों में से अगर जो कोई मेरे को 20 लोग भी देख ले, ठीक है, तो कितना अच्छा लगेगा। तो 20 लोग देखते हैं बट 20 लोग काफ़ी थोड़ी है यार, इसके ऊपर हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। अरे यार ठीक है, तो हमने देखा क्या बताओ 20 मिलियन है, उस 20 मिलियन में से मतलब कि देखो 2 मिलियन मतलब होता 20 लाख, तो उनका 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, 2 मिलियन व्यूज आए सब्सक्राइबर तो उससे भी ज़्यादा थे। तो मेरा माइंड बोलता था यार बताओ यार 2 मिलियन ये इसका व्यूज है, 20 लाख लोग देखे, उन 20 लाख में लोगों में से अगर जिनको 2 लाख ना देखे, 20,000 ना देखे, 2,000 ना देखे, बस 200 लोग खाली वीडियो देख लें यार, तो कितना अच्छा लगेगा यार, कितना अच्छा लगेगा, ओह माय गॉड। तो आदमी को मतलब कि ये अरे वाह देखो कितना सुंदर लग रहा है गाइस, हाँ ब्यूटीफुल, माय गॉड देख रहे हो इधर पानी भी नहीं पड़ा हुआ है, ये देखो पानी पड़ा हुआ है, ये चमक रहा है बरसात के बाद से पानी होता है ना, तो ये वहाँ तो हाँ तो हम कह रहे थे कि यार कि देख रहे हो चमक रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे ना गाइस कि एक हल्का सा लालच टाइप का होता है कि बताओ इसके 20 लाख व्यूज हैं, बताओ उस 20 लाख में से हमको 2 लाख ना छोड़ करके 20,000 भी छोड़ करके कम से कम 2,000 ही मिल जाए ना, तो कितना अच्छा लगे, मतलब कि आदमी को मन में लालच वालच होता है। तो मेरे को भी था, मेरे को भी है, था नहीं बोलेंगे है, बट इट्स ओके कोई बात नहीं, मेरे को कोई जल्दी भी नहीं करना चाहिए, मैं थोड़ा सा मतलब हड़बड़ा रहा हूँ, यूट्यूब एक भाई मैराथन है। तो मेरा दिन बताएं कैसे जाता है, मेरा दिन ऐसे ही जाता है, हम यहाँ एडिटिंग कर रहे हैं, हम एक और चैनल भी बनाए हैं वो भी माइनक्राफ्ट का ही है, लेकिन वो क्या है इंग्लिश में है, ठीक। उसको बस खाली इसलिए बनाया हमने ना क्योंकि मेरे को रेगुलर होने आना है, ठीक, मेरे को कंसिस्टेंटली वीडियो डालने आना चाहिए, तो मैंने सिर्फ इसीलिए उसको बनाया, और कोई इसमें कोई इतना कुछ खास है नहीं। तो बस यही कहना था गाइज की, और हाँ पता है मेरा मैक्सिमम दिन ना कुर्सी पे ही बैठता है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रहता है सामने मेरा, और हम बैठ करके एडिटिंग करते रहते हैं, बैठ के ऐसे 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 चलाते रहेंगे, मतलब करते रहेंगे एडिटिंग करते रहेंगे, क्या इफेक्ट्स डाले क्या डाले कुछ डाले। और मज़े की बात क्या बोले, अजीब बात यह है ना कि हम किसी को कॉपी भी नहीं करते, मतलब मेरा वीडियो एडिटिंग स्टाइल आप देख लोगे तो आप मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता कि आपको बहुत सारे जगह में मिलेगा, ठीक। तो मैं ऐसा ट्राई करते रहता हूँ कि कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाऊँ, अच्छा अच्छा चीज़ें लाऊँ, बाकी सब ऊपर वाले की है, मेरे को बस एक कम्युनिटी चाहिए, मेरे को दोस्त चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए एंड ऑल दैट, सो इट्स ओके, इट्स काइंड ऑफ फाइन। देखो आज तो कितना बनाया है हम लोगों ने, इतना में तो गाइज अपना बन जाएगा, क्यों को बना लेते कहीं गिर ना जाए यार, ठीक है, क्यों हाँ पहले हाँ यहाँ से यहाँ पे अपना हनी, अरे गिर गए यहाँ से, ये क्या है नॉर्मल, ठीक। यहाँ से हम लोग अपना हनी फार्म है, हनी फार्म से यहाँ पे आएंगे तो मेरा शुगर केन फार्म बनेगा, ठीक है, ये रहेगा शुगर केन फार्म। और मेरे को ना गाइज यहाँ पे ना अब मेरा मूड कर रहा है ना कि यहाँ पर ट्रिपल वो बनाने के लिए, क्या कहते हैं, आयरन फार्म बनाने के लिए, एक आयरन फार्म से काम चलेगा नहीं गाइज, तो मैं चलता हूँ इसको ले लेता हूँ, ठीक है। अभी तक कितना आयरन इकट्ठा हुआ है लेकिन गाइज पता है मेरे को ना ये सब वाला फार्म जो है ना एक्सपैंड करना होगा, इतना कम फार्म में इतना कम आयरन में काम चलेगा नहीं, ठीक है, मेरे को ये जो ना आयरन फार्म है ना इसको और भी इधर खींचना पड़ेगा, आई मीन इधर लेके जाना पड़ेगा, तो चलो लेके चलते हैं, और क्या नहीं कितना ब्लॉक दूर रखा जाए। तो यहाँ पे पता है मेरा टारगेट क्या है ना कि यहाँ पे जैसे एक आयरन फार्म बनाया ना, यहाँ पे एक और आयरन फार्म बनाने के लिए, और यहाँ पे वैसा एक और आयरन फार्म बनाने के लिए, ऐसे करके 3 आयरन फार्म होगा, तीनों को कनेक्ट कर देंगे एक जगह से, पूरा अपना आयरन लेंगे, क्योंकि यार एक आयरन फार्म से काम चल नहीं रहा है। आपको पता है जो हमने ये वाला बेकन बनाया है ना, वो देखो ध्यान से, अरे यार कहाँ चला गया, हम ले ही आते हैं, निकाल ही लेते हैं, क्यों फायर वर्क रॉकेट गिर रहा था नीचे चला ये देखो
ये देखिए जो ये है ना, ये हमने जो ये बीकन बनाया है ना, ये बीकन यार इसके लिए जो आयरन इकट्ठा करने में हमको पूरा का पूरा एकदम हिम्मत लग गया, जितना भी हमने हिम्मत थी ना हमारे पास सारा का सारा वो लग गया। तो मेरे को अभी बहुत ज़्यादा आयरन चाहिए ना, मैंने बहुत मेहनत करके जब इतना आयरन लाया था, और मेरा तो टारगेट ही है कि पूरा वर्ल्ड को बीकन से भर देना, ठीक है, इधर बीकन उधर बीकन, ये कंस्ट्रक्शन वो कंस्ट्रक्शन, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दुनिया भर का स्ट्रक्चर, यार मतलब एक फेस्टिवल हो। जब आप मेरा वीडियो पे क्लिक करो ना, तब आपको दिखे कि यार अरे तरीके इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, मज़ा आ रहा है एकदम, मतलब आपको एकदम जिंदा वाला फीलिंग है। तो मेरा वो टारगेट था, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरे ख्याल से इतना दूर पे हो जाएगा ना आयरन गोलम, ठीक। तो ये मेरे को यहाँ पे बनाना है अपना आयरन फार्म, कई सारे आयरन फार्म बनाने वाले हैं अभी। मेरा मतलब मेन नेक्स्ट टारगेट ही कई सारे आयरन फार्म बनाना, हालांकि शुगर केन फार्म भी बनाना था ऑटोमेटिक, लेकिन शुगर केन फार्म के बिना काम चल जा रहा है, ठीक। आई मीन करना ही क्या, अगर जब यहाँ से कूदें और हम यहाँ से गए तो देखो ओह गिर गए, चोट लग गई। विलेजर सब दम होते हैं क्या गाइस, ये क्या है, हटो भाई। वीट फार्म ही बनाना, तो पता है जब तक मेरा आयरन फार्म नहीं बन जाता था तो हमको नहीं लगता हम आगे कुछ करने वाले हैं। तो ये देखिए अपना आयरन फार्म, अजीब सा कंस्ट्रक्शन है ना यार गाइस, पता है हम वो जैसे यूजुअल जैसे लोग बनाते हैं ना वैसे हम नहीं बनाते हैं, हम मतलब कि कुछ अलग टाइप का बनाते हैं, ठीक। जैसे लोग यूजुअली घर, लोगों का घर देख लो कितना सुंदर रहता है वगैरह वगैरह, मेरा देख रहा भंगार लग रहा है हम तो कहेंगे ना मेरा जैसा मकान है ना गाइस, यहाँ पे जैसे मेरा मकान है ना, ये देख रहे हो ये, इससे ज़्यादा कहीं ब्यूटीफुल हमको एक केव लगता है, और ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है केव से उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो या आप समझ सकते हो कि मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है ना कि मैं कोई ऐसा कोई यूनिक टाइप का गेम प्ले है, कोई ऐसा मतलब नॉर्मल गेम प्ले नहीं है। एक आयरन फार्म यहाँ पे बनाएंगे, एक और बनाएंगे, और एक और आयरन फार्म यहाँ बीच में हमने बना देंगे, ठीक है, और अपना एक आयरन फार्म वहाँ पे, तो तीन आयरन फार्म है यार। तीन आयरन फार्म से भी काम नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, कितना बनाया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा आयरन फार्म बनाना पड़ेगा ना, हम लोग को विलेज ब्रीडर भी बनाना पड़ेगा। एक आयरन फार्म यहाँ पे, एक से तो बन ही रहा है अपना, मतलब कि आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उतना से काम नहीं चल पा रहा यार, ठीक है। ये देखिए 13 आयरन आया, 39 आयरन अगर जो मेरे को 10-15 मिनट मिल रहे हैं तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को आयरन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी गाइस। तो मैं अभी कितना 5 आयरन फार्म बनाने वाला हूँ, एक हो जाएगा यहाँ पे, वो तो हम दूसरा भी यहाँ पे बनाएंगे, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना उतना ही गैप हमको इन दोनों के बीच में या फिर उससे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, ठीक। तो 2 आयरन फार्म हो जाएगा, ठीक है, 3 आयरन फार्म हो जाएगा, एक मिनट को यार, इधर भी एक आयरन फार्म रख लिया जाए क्या, 4 आयरन फार्म यहाँ पे रख लिया जाते हैं क्या, क्या कहते हो गाइस, यहाँ पे एक आयरन फार्म रख लिया जाए क्यों, 4 आयरन फार्म हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक और आयरन फार्म रख लेंगे हम लोग, मेरे ख्याल से इसके साथ इंटरफेयर कर सकता है क्यों, देखा जाएगा, अगर जो दिक्कत करेगा तो मैं इसको वहाँ से चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से भी हम लोग आयरन भेज देंगे, तो हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बड़ा आप 5 आयरन फार्म बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एक और आयरन फार्म बनाएंगे, साला आयरन की बहुत सख्त जरूरत है गाइस, पता है बिना आयरन का आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। देखो बीकन वीकन मिलेगा तो अपना बहुत मज़ा आएगा, ठीक। आयरन से कई सारे मतलब सिस्टम्स बनते हैं, कई सारे चीज़ें बनती हैं, तो या वी नीड दैट। ओके गाइस, कितना मस्त शाम लग रहा है, कितना मस्त इवनिंग लग रहा है, ठीक। तो चलिए आज के लिए मतलब मैं कुछ ना कुछ एपिसोड बनाना चाह रहा था, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था असल में, तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। ये हम लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, देख रहे हो, वाह ब्यूटीफुल। ये शाम का चूल्हा जल रहा है आज में, ठीक है, यहाँ पे एक लगा देते हम ना, नहीं तो पहले मॉब्स आने लगते हैं, ठीक है गाइज। वो कैसा होल है ये कैसा होल है तो चलिए गाइज, शाम हो गई है, चलते हैं सो लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे गाइज, पता है नेक्स्ट टाइम उनको ब्रीड करवाना है, विलेजर्स को ब्रीड करवाना है खूब ज़्यादा, मतलब 5-6 विलेजर्स ले आना है, ठीक है, फिर मेरे को सारे विलेजर्स को उसमें गिराना, कुल मिला के एक आयरन फार्म के लिए 6 विलेजर्स लगते हैं, तो मेरे को 4 और बना, तो मेरे को 24 विलेजर्स चाहिए, तब जा करके मेरा वो हो जाएगा काम, मेरा आयरन फार्म बन जाएगा। तो 24 विलेजर्स का बनाने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये देखिए धीरे 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 एकदम नक्शा बदल रहा है, क्यों सुंदर सुंदर सा बंदा, वो देखो वो जा रहा है कहाँ गया, 20 हो गया, गुड।
तो यही ऑटोमेटिक आयरन फार्म कई सारे बनाने हैं, और मिलते हैं गाइज तब अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग, बाय, सी यू, बाय।